हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ जिला हमीरपुर ने वरिष्ठ प्रांत उपाध्यक्ष जगवीर चंदेल की अध्यक्षता में जिलाध्यक्ष हमीरपुर हरिकेश मीणा को अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ द्वारा तैयार किया गया माध्यमिक स्वर्ग की मांगों का मांग पत्र सौंपा। इस मांग पत्र में शिक्षा के लिए बजट में बढ़ोतरी, नई पेंशन योजना को वापिस लेना आदि कई मांगे शामिल की गयी। हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ जिला हमीरपुर ने वरिष्ठ प्रांत उपाध्यक्ष जगवीर चंदेल की अध्यक्षता में जिलाधीश हमीरपुर हरिकेश मीणा को अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ द्वारा तैयार किया माध्यमिक संवर्ग की मांगों का मांग पत्र सौंपा। 21 सूत्री इस मांग पत्र में स्वायत्त माध्यमिक शिक्षा आयोग के गठन, शिक्षा के लिए बजट में बढ़ोतरी, केंद्रीय शिक्षकों के सम्मान, 7वें वेतनमान को लागू करना, नई पेंशन योजना को वापस लेना, नियमित आधार पर शिक्षकों की नियुक्तियां करना, समान कार्य के लिए समान वेतनमान, शिक्षा के व्यापारीकरण को रोकना, संपूर्ण देश में सेवानिवृत्ति आयु एक समान 65 वर्ष करना, शिक्षकों को गैर शैक्षिक कार्यों से मुक्त रखना, शिक्षा कैडर बनाना, उच्च योग्यता प्राप्त शिक्षकों को अतिरिक्त वेतन वृद्धि देना आदि मांगे हैं। हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ की जो जिला इकाई हमीरपुर है, उस इकाई ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ जो राष्ट्रीय स्तर पर अपना अध्यापक संगठन है, उनके द्वारा 21 सूत्रीय मांग पत्र जो कि माध्यमिक संवर्ग को लेकर है, उस मांग पत्र को ज्ञापन के रूप में माननीय जिलाधीश महोदय हमीरपुर के माध्यम से भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मानव संसाधन मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश और माननीय शिक्षा मंत्री जी की सेवा में प्रेषित किया है। इस 21 सूत्रीय मांग पत्र के जो मुख्य बिंदु हैं, उनमें जो पुरानी पेंशन योजना कर्मचारियों के लिए थी उसकी बहाली की मांग है, शिक्षकों को गैर शैक्षणिक जो कार्य हैं उनसे मुक्त करने का ऐसा आग्रह किया गया है, तथा माध्यमिक शिक्षा के लिए एक स्वायत्त आयोग बने जिससे ये जो माध्यमिक स्तर की जो शिक्षा है वो सुदृढ़ हो सके तथा देश के निर्माण के लिए अच्छे नागरिक जो है वो तैयार हो सकें, ऐसा मुख्य बिंदु है। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष नरेश शर्मा, जिला मंत्री राजेश शर्मा, उपाध्यक्ष विजय शर्मा, अध्यक्ष सुजानपुर खंड राजीव शर्मा, मंत्री हमीरपुर खंड अरुण कुमार, अध्यक्ष सुजानपुर अनिल शर्मा आदि प्रतिनिधि मंडल में शामिल हुए।